अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेके अली व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? भाई इंट्रो बाद में शूट होगा, मुझे याद नहीं था कि इंट्रो शूट करना है, इसलिए इंट्रो बाद में शूट हो रहा है। तो आप लोग अभी व्लॉग देखिए। तो भाई फाइनली अपने एग्ज़ाम्स एंड हो गए हैं, यानी यूनिट टेस्ट मेरे अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब भाई यूनिट टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक मिनट नहीं रुकने वाला। तो आज ही मैं निकलने वाला हूँ अपने सेकंड होम, यानी नाउ आई एम गोइंग टू माय सेकंड होम। इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यानी सेकंड होम आप समझ रहे हो ना? तो हाँ, अगर समझ रहे हो तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं समझ रहे हो तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में या आगे थोड़ा पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो भाई सफ़र होने वाला है काफ़ी लंबा। मैं तो भाई काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, जब भी सफ़र का नाम होता है भाई, मतलब मुझे चाहिए लंबे सफ़र, तवील सफ़र भाई, ट्रेन से आराम से एकदम लंबी जर्नी करो सुकून से। तो मैं जब भी मतलब अभी ट्रैवल करते रहता था, घर से हॉस्टल, हॉस्टल से घर, एक घंटे का रास्ता होता था, बोर हो जाता था। लेकिन अभी जो ट्रैवल मेरी ट्रैवल होने वाली है, वो कम से कम 12 से 15 घंटे की होने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो अभी जल्दी अपना लिबास में चेंज करता हूँ, और क्योंकि मुझे अभी निकलना है तो कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, क्योंकि सफ़र थोड़ा तवील होने वाला है, लंबा होने वाला है। तो अभी कुछ अपना लिबास वगैरह मैं चेंज कर लूँ। तो भाई मैं हो गया हूँ तैयार। तो अभी मैंने शर्ट और लेयरिंग कर ली, और अंदर से मैं नीचे से मैं ट्राउज़र पहन लिया हूँ मैं। तो भाई ट्राउज़र मैंने इसलिए पहना है, भाई कंफर्टेबिलिटी चाहिए, भाई हमको सफ़र होने वाला है लंबा, तो भाई आराम से कंफर्टेबल होके जाऊंगा मैं। तो बताते चलूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, काहे को मैं सस्पेंस क्रिएट करूँ आप लोगों के अंदर। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ पटना, जी हाँ, मेरी नानी का घर पटना। तो पटना में किस लिए जा रहा हूँ? पटना में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरी मामू की शादी है, यानी सगे मामू की शादी है। तो वो शादी को अटेंड करने के लिए मैं पटना जा रहा हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात, वो शादी गांव में हो रही है। जी हाँ, अगर शहर में होती, मतलब शहर की शादियां तो मैंने बहुत सी अटेंड करी हैं, बट वो उतना कुछ मज़ा नहीं आता। शादी में बहुत कमी से जाता हूँ क्योंकि अकेला पड़ जाता हूँ यार, इसीलिए मैं शादी में कमी से जाता हूँ। बट वहाँ पे कुछ कज़न्स वगैरह भी होंगे, दोस्त वगैरह भी होंगे, मतलब मेरे जो भी दोस्त वगैरह हैं वो सब मेनली पटना में ही हैं। तो इसीलिए मैं शादी में जा रहा हूँ, और गाँव की शादी है तो थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा नहीं बहुत मज़ा आएगा, तो नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वैसे एक बार मैंने गांव की शादी अटेंड करी थी, वो मेरे दादी के भाई की शादी थी, आई थिंक वो यूपी में ही गांव था कोई। तो वहाँ पे हम लोग सारे कज़न, मतलब सारी फैमिली हम लोग उठ के उस शादी में चले गए थे। तो मतलब हम लोग इतनी बड़ी फैमिली है, गांव वाले मतलब सोच में पड़ गए कि भाई कौन आ गया हम लोग गाँव में। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस वक्त, और जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों को मतलब ज़मीन में बिठाया गया था, और पत्ते थे, पत्ते ला के बिछा दिए, उसके ऊपर सब्ज़ी पूड़ी और था दही, दही में बूरा मतलब जो शक्कर होती है वो मिला के, भाई बहुत ही मज़ा आया था यार, अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिला था। ऐसी शादियां अगर आप लोगों को कभी भी मिले, मतलब ज्वाइन करने का अगर चांस मिले आप लोगों को ऐसी शादियां, तो भाई कभी मत छोड़ना, बहुत मज़ा आता है। तो बिहार में तो मुझे लगता है ऐसी कोई शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार के गाँव और यूपी के गाँव में एक वास्ट डिफरेंस है, तो दैट्स वाई। तो अब जाना पड़ेगा मेरे को, मैं पूरे तैयार हो गया हूँ, और अभी मैंने अपने सामान की मतलब पहले ही मैंने पैकिंग कर रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई लास्ट मोमेंट में मैं बहुत हड़बड़ी कर देता हूँ। मैं जो भी सामान पैक करता हूँ लास्ट मोमेंट पे करता हूँ, तो मैंने सुबह ही अपना माइंडसेट बना लिया था कि जाना है। तो अभी से मैं अपना सारा सामान पैक कर ले रहा हूँ, और अभी मुझे जाकर कुछ मतलब कि कुछ चीज़ें हैं वो अभी मैं देखता हूँ, और जो जो चीज़ें ज़रूरत की है मेरी वो मुझे ले जानी पड़ेंगी। तो चलते हैं मेरे साथ आप। Cause you balance, you balance, I love your sales pitch.
But I'm not buying your illusion. Yeah, yeah. Can I be your love? Yeah, that's what you say. Yeah, I can be your love. Yeah, you won't regret it. Girl, we never won't lie. Lie, lie. Girl, we never won't lie. Yeah, I don't want your love. I got enough. मेरे जो भी ज़रूरत के सामान थे, जो भी इसेंशियल थिंग्स थे, यानी चार्जर, एयरपोर्ट्स के चार्जर और इत्र भी मेरा ज़रूरत का सामान नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैंने अभी पैक कर ली हैं। और कपड़े वगैरह भी मैंने पहले ही पैक कर लिए थे। मुझे पता था लास्ट में मैं बहुत जल्दी हड़बड़ी करता हूँ, तो मैंने सुबह ही उठ के नमाज वमाज पढ़ के उसी वक्त मैंने सारे सब कुछ पैक कर लिए थे। और अभी जो एक मेन चीज़ बची है, वो मेन चीज़ है जो मुझे रिसेप्शन के दिन पहननी है, शेरवानी। जी हाँ, शेरवानी मुझे रिसेप्शन के दिन पहननी है। तो शेरवानी मैंने अभी नीचे ड्राई क्लीनर को जाके दे रखी थी, तो वो मुझे जाके शेरवानी अभी उठानी है। तो अभी पहले वहाँ पे चलते हैं उनसे। वो अभी उनके पास गया तो वो बोले आधे घंटे बाद आओ, आयरन करना है, ये करना है, तो अभी उनके पास जा रहे हैं। तो भाई एक बार फिर चेक कर ले रहा हूँ मेरी कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई हैं, क्योंकि भाई लास्ट टाइम पे जब मैं स्टेशन पहुंचता हूँ फिर मुझे याद आता, अच्छा मेरा वो सामान रह गया। तो फाइनल मतलब सभी चीज़ें मैंने ले ली हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है हमेशा की तरह कुछ ना कुछ छूटना ही है। खैर चलते हैं। तो गाइस शेरवानी मैं ये लेकर आ गया हूँ नीचे से, प्रेस मेरी शेरवानी हो गई है और ड्राई क्लीन भी हो गई है। और अब मेरी ट्रेन आने वाली है, तो मुझे अब निकलने का टाइम हो गया है। तो अब मतलब सभी लोग चले गए रूम पे, बस महराज भाई बचे हैं, तो अब महराज भाई अकेले रहेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर चलिए महराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई। अभी जो भी मेरा कुछ काम वगैरह था वो सब मैंने काम वगैरह अपना करा लिया, यानी मैस बंद करवानी थी वो मैस भी मैंने बंद करवा लिया। और अब फाइनली जा रहा हूँ, पहले अपने यहाँ से मैं अपने घर पे जाऊँगा, फिर वहाँ से भाई को लेना है, फिर हम लोगों की वहाँ से साथ में ट्रेन है, तो हम मैं और मेरे बड़े भाई साथ में जाएंगे। तो ये देखिए आसपास आप लोग, जंगल देखिए बस, अल्लामा का। यहाँ से सांप नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। There's no news, so no. It is your path to follow. Everlasting is your love. When I get it, I'll give my all. I submit to your will. Yeah. I love you when my face is on the ground. And every day I'll be seeking your love. Take me away when I'm worthy of journey. हम लोग आ गए अलीगढ़ स्टेशन पे। ये अलीगढ़ स्टेशन मतलब अगर मैं कहूँ तो ये फ्रंट वाला एरिया है अलीगढ़ स्टेशन का। ये बहुत कम ही मतलब ब्लॉग में मैंने डाला होगा, तो ये फ्रंट वाला एरिया कहलाता है, लेकिन बहुत सी ट्रेनें उधर ही आती हैं तो लोग उधर ही उतर जाते हैं। तो ये स्टेशन है अलीगढ़ का। देखिए मतलब मेमू जो भी ट्रेनें होती हैं उन ट्रेनों में वॉशरूम नहीं होते हैं, सो मेमू में यहाँ पे वॉशरूम भी है और यहाँ पे अलार्म भी है। अलार्म होते ही हैं ट्रेन्स में, लेकिन इसमें है, चलिए ठीक है। और यहाँ पे एक इमरजेंसी टॉक भी है, मतलब आप बैकअप यूनिट के साथ मतलब आरपीएफ के साथ इन केस ऑफ इमरजेंसी में आप लोग बात वगैरह कर सकते हैं। ये एक बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। आई थिंक किसी ने चैन को लिंक करी है, ट्रेन फिर रुक गई।
भाई सिटी गड्डी कुछ खुल गई है और ये भाई मिले हैं, इन्होंने हमारी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं। असल में थंबनेल के लिए कुछ फ़ोटोज़ चाहिए थी तो हमारे भाई ने फ़ोटो खींची। क्या नाम है भाई? तो ये भाई मेरे एक स्टेशन से आगे जा रहे हैं शुकाहाबाद। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई फाइनली मैं फिरोजाबाद पहुँच गया हूँ, अपने होम टाउन पहुँच गया हूँ। भाई यार बहुत परेशान हो गए ट्रेन में बैठे बैठे, हर स्टेशन पे मतलब हर स्टॉप पे ट्रेन रुक रही थी। वैसे रुकनी भी चाहिए, पैसेंजर ट्रेन थी और जो इसके पीछे मतलब जिस ट्रेन से मैं आता हूँ तो वो ट्रेन लेट थी, वो ट्रेन इसके पीछे थी, इस वजह से मैं इससे आ गया। तो फाइनली आ गए हैं और ट्रेन पीछे लगी हुई है और अभी भाई आने वाले हैं लेने के लिए, तो अभी वो आ ही रहे हैं। ये देखिए ये है फिरोजाबाद। तो भाई मैंने अभी कैब जो है अपना उल्टा कर लिया है क्योंकि भाई एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। पहले में इंसिडेंट हुआ था मेरा, मतलब जो कैब का सीधा था और मतलब वो बाइक चल रही थी, आई गेस 140 की स्पीड में बाइक चल रही थी। इतनी स्पीड में बाइक थी कि मतलब मेरा कैब नीचे उड़ गया और भाई ट्रक के नीचे चले गए और मेरा पूरे कैब का फालतू बच गया। भाई अब मैं कैब को अपने खोना नहीं चाह रहा तो इसीलिए मैंने थोड़ा उल्टा कर लिया है। तो अभी चलते हैं हम। ये जो डेकोरेशन आप लोग देख रहे हैं गाइस, ये जो डेकोरेशन है ये यहाँ पे रामलीला लगा हुआ है, रामलीला की वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा डेकोरेशन हो रखी है। तो देखते देखिए आप लोग। The last time I heard about you, my brain couldn't comprehend all I heard about you. Oh, I let your name is Allah, Allah, Ar-Rahman. तो भाई फाइनली आ गया हूँ घर पे। अब थोड़ी जान में जान जाके आई है, ट्रेन में बैठे बैठे पागल सा हो गया था। तो अभी जो हम लोग के मतलब अब जो दूसरी ट्रेन है यानी जो पटना के लिए ट्रेन है वो रात को है। तो अभी मैं आराम करूँगा, आराम आराम करने के बाद जो कुछ है आपसे रात को मिलूँगा। तब तक के लिए ऑल राइट गाइज, व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। भाई हालत ख़राब हो गई यार, मुझे ट्रेन का सफ़र पसंद है लेकिन ऐसी ट्रेनों का सफ़र पसंद नहीं है जो हर एक स्टेशन पे हर एक हॉट पे रोकती हुई आएगी। दिमाग का भाई दही बन गया पूरा, मेरा दिमाग अभी घूम रहा है। तो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर व्लॉग पसंद आए लाइक कमेंट पर अपना हार्ट ज़रूर छोड़ के जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। Till then, take care. Assalamu alaikum. Oh Allah, the Almighty. Allahu